जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे चावल के आटे में से कुरकुरे नाश्ते। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, हम कैथरोट ले लेंगे, उसके अंदर दो कटोरी चावल का आटा ले लेंगे और उसके अंदर आधी कटोरी बेसन ले लेंगे। और स्वाद अनुसार उसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। फिर हम एक पैन में पानी गरम करने के लिए रखेंगे। हमने जितना चावल का आटा लिया है उतना ही पानी लेना है हमको, और उसको थोड़ा सा गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। और उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। आप घी की जगह पर ऑयल भी ले सकते हो, मगर घी का टेस्ट एकदम मस्त आता है और एकदम क्रिस्पी होता है घी से। तो हमारा पानी थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते डालते उसका डो बना लेंगे। पहले हम स्पून की मदद से करेंगे क्योंकि हमारा पानी थोड़ा गर्म होगा इसके लिए। इस तरह से स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से थोड़ा पानी है वो सब डाल देंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि चावल बहुत पुराने हो गए तो थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए डालना पड़ेगा, और चावल हमारा रेगुलर होगा नया वाला तो पानी थोड़ा कम लेगा। इस तरह से आप देखकर चावल में पानी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने यहाँ 1 कप के सामने 1 कप भी पानी ऐड किया है। इस तरह से हम करने के बाद हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से डो बनाकर तैयार करेंगे, इस तरह से मसल कर। इस तरह से हम डो बना लेंगे और ऊपर से थोड़ा ऑयल ऐड करके उसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। इस तरह से हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो कि हमारा डो इस तरह का होना चाहिए, एकदम कठिन भी नहीं और एकदम ढीला भी नहीं। रोटी का डो बनाते इस तरह का डो बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से उसका गुंदला लेकर रोटी अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। आपको थोड़ा ज़रूरत हो तो कोरे चावल का आटा लग के भी रोटी बेल सकते हो, और इतनी थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, मीडियम थिक रखना है। और अब हम उसमें कट लगा देंगे। आपको जो शेप पसंद हो वो शेप आप कर सकते हो, मगर मैं तो स्क्वायर में ही कट कर रही हूँ अभी। इस तरह से अच्छी तरह से कट लगाकर अब हम अच्छी तरह से ऑयल गरम हो गया है तो हम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे।
और इस तरह से हमारा अच्छी तरह से डाल दिया है। तो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हिलाते हिलाते मिक्स करते जाएंगे और उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। आप देख सकते हो कि गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इस तरह का क्रिस्पी हो जाए तब तक हमको पकाना है। फिर अब हम उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और अब उसके ऊपर चाटने के लिए हम मसाला बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर काश्मीरी ले लिया है, धनिया जीरा पाउडर, चाट मसाला ऐड किया है, और संचर पाउडर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि हमने उसके अंदर नमक भी ऐड किया था। तो संचर पाउडर मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि चाट मसाले में भी होगा नमक, इसके लिए हमारे स्वाद अनुसार सब मसाले डालकर मिक्स कर लेंगे और इस तरह का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। अब हमने जो बनाकर तैयार की है इसके ऊपर हम मसाला ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से इधर उधर करके मिक्स कर लेंगे और थोड़ा फिर से डालेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हो ना, एकदम क्रिस्पी ऐसा कुरकुरिया जैसा चावल का आटे में से रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। चलो फ्रेंड, हमने कुरकुरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। बाय बाय।